प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर माह में दो एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन सावन माह में पड़ने वाली एकादशी की कई विशेषताएं होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। कामिका एकादशी के दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को जीवन में किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, सबसे पहले पूजा के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। एक चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी आदि अर्पित करें। तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। आखिर में आरती करें। कामिका एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य माहात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अतिप्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्महत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए।
अष्टामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।